खरीदनी है, मेरी खत्म होगी है और उस इन्फ्लुएंसर ने बोला था कि ये चीज अच्छी है तो मैं तब खरीदूंगी जब मेरे को जरूरत है। ये नहीं कि इस इन्फ्लुएंसर ने ये चीज बोल दी है ये अच्छी है तो मैं उसी वक्त खरीद लूंगी, जब मेरी नीड होगी तब मैं खरीदूंगी उसको। गुरुजी अभी प्रवचन दे रहे हैं, थोड़े देर बाद प्रवचन जैसे ही खत्म होगा फिर हम तुम तो मजाक ही बना लो, मैंने सही बात मजाक क्यों बना रहा हूँ, मैं तेरा मजाक बनाता हूँ? हाँ। नहीं बनाता मैं, बता तो दिया दो ही चीजें ले जानी है। हाँ। मार्केट से तो एक कैप्सिकम एक बटर, बटर यहाँ मिल जाएगा कैप्सिकम वहाँ मिल जाएगी और उसके बाद वहाँ से वो उठानी है, ब्रेड लेनी। हाँ दूध और ब्रेड उठाने बस। सो तनु अभी जा रही है किचन, आज हमारा डे वन है, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक सीरीज जिसका नाम है कि क्या था वो 3 लाख सीरीज ही भूल गया जो स्टार्ट करनी है वो। नहीं 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 मैं बोला नहीं, मतलब मेरे को याद है मैं थोड़ा नाम ऐसा सोच रहा था पागल तो सीरीज उसका नाम है 3 लाख सेल्स इन 1 मंथ। ठीक है बाय बाय। तो तन्नू को मैंने अभी घर छोड़ दिया एंड यहाँ से ये एक्टिवा लेके, तन्नू जल्दी से निकल जाना, अभी मैं वापिस से घर जा रहा हूँ, मेरे को करनी है वीडियो एडिटिंग। सो अभी करिए वीडियो एडिटिंग और तनु किचन जा चुकी है, अभी ये चल रहा है कि लाइक मैं तनु को पहले किचन भेज देता हूँ, वहाँ पे ऑर्डर्स वगैरह लगे हुए हैं और फटाफट मैं भी किचन के लिए निकलता हूँ अभी। बस मैं थोड़ी देर ये देखने के लिए रुक गया था एडिटिंग के साथ साथ, बिग बॉस चल रहा था, हमने जियो का महंगे वाला प्लान नहीं ले रखा ना इसलिए एक दिन बाद देखना पड़ता है सारी चीज़ें, तो बिग बॉस मैं इसलिए देखता हूँ क्योंकि ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, बस चलता रहेगा कुछ भी। अभी देखो दो ऑर्डर चले हुए हैं, एक ये वाला ऑर्डर आ रखा है और एक ये वाला ऑर्डर आ रखा है, ये सब्सक्राइबर का ऑर्डर है, हेलो भैया यू आर सब्सक्राइबर, बर्गर स्पाइसी रखना एंड लव योर वीडियोस, मनन का ऑर्डर है ये, तो थैंक यू सो मच मनन भाई, ये आपका पहला ऑर्डर है एंड होप आपको बर्गर पसंद आएगा। अब मैं जल्दी से रेडी हो जाता हूँ फिर निकलते हैं किचन। अभी मैं घर से निकल रहा हूँ किचन जाने के लिए, आज तो यार बहुत ज्यादा लेट हो गया क्योंकि एडिटिंग ना डेली की एक लॉन्ग वीडियो बहुत हेक्टिक काम है, तो एनीवे एडिटिंग हो चुकी है कंप्लीट, ये डाल दूंगा मैं ये वाला ब्लॉग। दूसरा अभी किचन में गड़बड़ हो गई, लाइक एक ऑर्डर आया था, मतलब दो ऑर्डर एक साथ आए थे और उस टाइम पे किचन पे आकाश नहीं था, माइका और तनु थे, तो पागलों ने दोनों ने क्या किया लाइक राइडर से भी नहीं पूछा कि कौन सा ऑर्डर है, दोनों सेम ऑर्डर थे, जस्ट ये फर्क था कि एक में मील थी और एक में सिर्फ एक सिंगल बर्गर था, तो इन्होंने ये किया कि मील वाले बंदे को सिंगल बर्गर दे दिया, जिसको बर्गर देना था अब उसको मील देने चले थे, तो जिसने मील ऑर्डर की थी उसके पास सिंगल बर्गर पहुंचा, फ्राइज और कोक नहीं पहुंचे, तो ऑब्वियसली उसे गुस्सा आएगा कस्टमर को, तो उसने जोमेटो से कॉल किया एंड तब जतिन से उसकी बात हुई, तो अभी उसको रिफंड करना पड़ेगा जो भी बनता है, तो यही प्रोसेस होता है ऐसी चीजों का एंड वहां जाके देखता हूँ कि क्या चल रहा है। तो अभी मैं फटाफट किचन के लिए निकल गया और किचन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती रहती हैं यार, कभी ऑर्डर्स कुछ ऐसे हो जाते हैं, कभी कभी हमसे गलती हो जाती है कभी राइडर्स से, बट हम ट्राई करते हैं कि हमसे गलती ना हो। तो एनीवे मैं किचन पहुंच गया और यहाँ पे तन्नू सारा काम हैंडल कर रही थी और इतनी आराम से दिखा रही थी ना ऑर्डर्स के लिए, इसने सारी चीज़ें सब की हैं, तब मैंने उनको बोला कि तुम लोगों ने क्या क्या गलती की है, उनकी गलतियाँ गिनवाई एंड उसके बाद उनको रिफंड किया जिनका मील ऑर्डर था। तो ऑर्डर एक्सचेंज ना बिल्कुल भी सही बात नहीं है, हमेशा राइडर से कम्प्लीट ऑर्डर पूछना चाहिए, राइडर जब ऑर्डर आईडी बता दे तब जाके ऑर्डर देना चाहिए कि ऑर्डर आईडी सही है कि नहीं है। तो आज का काम मैं स्टार्ट करता हूं एंड आज तो बहुत सारा सामान मार्केट से भी लेके आना था, तो मैंने कहा फटाफट से काम तुम्हारा जो भी है करवा देता हूं थोड़ा बहुत, उसके बाद मेरे को मार्केट निकलना है। एंड आज हमारे पास एक ऐसे कस्टमर आए जिन्होंने लाइक हमारे बर्गर को KFC के साथ कंपेयर किया, उन्होंने हमारे पास ऑर्डर किया था एक रिच डबल चीज बर्गर एंड उन्होंने जब हमारा बर्गर खाया ना तो उन्होंने स्पेशली मेरे को बोला कि भाई मैं ना KFC का वेज डबल चीज बर्गर खाता था एंड उससे ये फार बेटर है। तो लाइक अपने बर्गर की जब हम ऐसे तारीफ सुनते हैं ना, तो मैंने उनसे पूछ भी लिया कि लाइक उनका बर्गर कैसा लगा था आपको, क्या प्राइस का था, तो उन्होंने कहा यार प्राइस उसका बहुत महंगा था एंड तुम्हारा प्राइस उससे बहुत सस्ता है, ठीक है, और दूसरी चीज जो फ्लेवर तुम्हारे बर्गर में आ रहे हैं ना, जो स्पेशली इंडियन फ्लेवर आ रहे हैं, वो उस बर्गर में दूर दूर तक नहीं थे। तो लाइक वो बड़े खुश हुए हमारा बर्गर खाकर एंड हमें बहुत अच्छा लगता है जब कोई भी कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई होता है हमारे खाने से, क्योंकि हर क्लाउड किचन ओनर या फिर रेस्टोरेंट ओनर का ये सपना होता है कि जो भी लोग हमारा खाना खा रहे हैं बस उनको पसंद आ जाए टेस्ट, तो मेरे को काफी अच्छा लगा। एंड उसके बाद एक मैगी का ऑर्डर आ जाता है, तनु फटाफट से एक मैगी बनाने लगती है और ये थी वेजी चीज मैगी, और मैगी ऐड करने के बाद हमें बहुत सारा फायदा हुआ,
हुआ है. लाइक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैगी खाते हैं क्योंकि हमारे आसपास स्टूडेंट्स है ज्यादातर, एंड स्टूडेंट्स को क्या चाहिए, सस्ते में बहुत अच्छा खाना, और मैगी उनमें से एक बेस्ट ऑप्शन है. अभी 2 दिन हुए मैगी को लॉन्च किए हुए और अच्छी खासी हमारी मैगी की सेल हो रही है. उसके बाद मैं निकल जाता हूँ मार्केट. मार्केट से कुछ कोल्ड ड्रिंक की और पानी की बॉटल्स लेनी थी, तो ये सारी चीजें मैं पैक करवाता हूँ और एक्टिवा पे रख लेता हूँ. और ये दुकान हमारी किचन के बिल्कुल पास है और ये बल्क में सेल करते हैं, तो मेरे को ज़्यादा स्टॉक लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि किचन भी इतना बड़ा है नहीं कि यार इतनी सारी बॉटल्स को कहाँ रखेंगे. तो मैं सिर्फ इतनी बॉटल लेके आता हूँ जितनी हमें नीड होती है, क्योंकि बिल्कुल पास में ही तो दुकान है, कभी भी निकल जाओ. और उसके बाद शाम को हम थोड़ा ट्राई करते हैं जो भी हमारे एक्सपेरिमेंट होते हैं. आजकल तो एक्सपेरिमेंट इतने चल रहे हैं कि पूछो मत. आज हम बनाने वाले हैं आलू सैंडविच, क्योंकि हमारे जो नॉर्मल सैंडविच है ना वो थोड़े कॉस्टली पड़ते हैं मोस्टली स्टूडेंट्स को. ऑल्दो हमने ट्राई किया कि जितना रीजनेबल प्राइस हम उनका रख सकें उतना रखें, बट क्या होता है कि स्टूडेंट्स को और सस्ता चाहिए, तो हमें लगा कि आज हम ट्राई करेंगे आलू वाला सैंडविच. एंड तनु ने फटाफट से आलू सैंडविच बनाया. पहले तो वो पूरी ब्रेड का बना रही थी, मैंने कहा यार क्यों वेस्ट कर रही है, हम लोग ट्राई एंड टेस्ट ही तो कर रहे हैं. तो एक ब्रेड ली, उसको हाफ कट करके पूरा सैंडविच बना दिया कि जस्ट ट्राई करने के लिए कि इसका टेस्ट कैसा है. बट उसका टेस्ट इतना बढ़िया आया नहीं. तब मेरे को याद आया कि यार एक काम करो, हम थोड़ी गलती कर रहे हैं इसकी फिलिंग बनाने में. एक्चुअली हमें आलू की सूखी सब्जी बनानी चाहिए चटपटी सी, और उसी सूखी सब्जी को हम सैंडविच में डाल देंगे ताकि एक बढ़िया सा इंडियन टेस्ट आ जाए सैंडविच का. तो आगे से हम यही करने वाले हैं. अब सारा सामान सब्जी बनाने के लिए यहाँ पे था नहीं, तो तनु घर से सब्जी बना के लेके आएगी आलू की, एंड उसके बाद दोबारा से सैंडविच ट्राई करेंगे. तो सैंडविच वाला काम तो हो चुका था, एंड उसके बाद हमारे पास कुछ ऑर्डर्स आए बर्गर पिज्जा सैंडविच के. जो जो चीजें जैसे जैसे आती हैं हम ट्राई करते हैं कि टाइम के साथ बनाए, बट एक्चुअल में होता ही है कि 2 से 3 ऑर्डर जब आ जाते हैं ना जोमेटो के ऊपर, तब हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है क्योंकि साथ में कस्टमर्स भी बैठे होते हैं. तो हम ट्राई करते हैं कि पहले हम कस्टमर को सर्व कर ले जो वहां पे बैठे हैं, और उसके बाद जोमेटो का ऑर्डर बनाएं, क्योंकि जो बंदा किचन में बैठा वो बहुत जल्दी बोर हो जाएगा एंड उसे कुछ ना कुछ अभी के अभी चाहिए. तो हम ट्राई करते हैं कि कुछ ना कुछ हम कस्टमर को देते रहें, जैसे कि अगर उन्होंने 2-3 आइटम ऑर्डर किए हैं तो सबसे पहले जैसी एक बनी वो उनको सर्व कर दो, उससे कि कस्टमर को ये नहीं लगेगा कि वो बोर हो रहे हैं, और उनको ये भी लगता रहेगा कि लाइक ठीक है उन्हीं के लिए काम हो रहा है सारी चीजें. वरना मैंने बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट देखे हैं जिनमें कस्टमर की वैल्यू नहीं की जाती, एक बार ऑर्डर लेने के बाद उनसे दोबारा पूछा ही नहीं जाता, और फिर 1 घंटे बाद ऑर्डर आता है उनका. ऐसे में लोग बिल्कुल भी आपके पास नहीं आएंगे. अगर आप एक रेस्टोरेंट ओनर हैं तो ध्यान रखें कि आपके पास जो भी कस्टमर आया है उसको जल्दी से जल्दी सर्व करें. तो आज के मोस्टली ऑर्डर्स कंप्लीट करके हम बनाना शुरू करते हैं अपनी आलू टिक्की. आप लोगों को आज दिखाएंगे कि आलू टिक्की कैसे बनती है हमारी. हम कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं डालते, लाइक अकॉर्डिंग टू वेट के हिसाब से होता है ये चीज कि कितना वेट आलू का है, उसके बाद कितने सारे मसाले जाएंगे, किस क्वांटिटी में कितने ग्राम जाएंगे, सारी चीज़ें हमने मेज़र कर रखी हैं. आलू टिक्की का साइज़ कितना होगा, शेप कैसी होगी, ये चीज़ें अब जब आप मेज़र करते हैं तो आपका टेस्ट जो है वो सेम रहता है, आपको कोई भी इशू नहीं होता. अच्छे से मसालों को आलू में मैश करते हैं, और मैश करने के बाद हम उनकी छोटे छोटे लड्डू बनाते हैं कि कितने ग्राम की टिक्की होगी. जैसे कि हमारी जो टिक्की है वो 80 ग्राम की होती है, एंड उसके ऊपर ब्रेड क्रम लगने के बाद वो 10-12 ग्राम और बढ़ जाती है. तेल में फ्राई कर दोगे तो उसके बाद थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, मतलब वो 90 ग्राम तक चली जाती है. और ये चीज आपकी कॉस्टिंग निकालने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है. लाइक हमारी टिक्की कितने मिनट तक डीप फ्राई होती है, कितने मिनट में उसे बाहर निकालना है, कैसा कलर होगा, तो सारी चीजें हम देख लेते हैं. और जैसे ही आलू की फिलिंग बन के तैयार होती है उसको एक रिंग में डालकर हम उसे शेप देते हैं टिक्की की, एंड उसके बाद उसके ऊपर ब्रेड क्रम लगाया जाता है और फिर वो रेडी हो जाती है फ्राई होने के लिए. तो मैं और आकाश आज टिक्कियां बना रहे थे आलू की. ज्यादातर काम कंप्लीट हो चुका था, थोड़ा बहुत काम रहता था. इतने में आकाश का टाइमिंग हो जाता है कि उसे घर निकलना था, क्योंकि वो बंदा गांव से आता है, तो ऐसे में ना पूरा शहर का रास्ता पार करके गांव जाना थोड़ा मुश्किल है रात में, तो वो थोड़ा टाइम से निकल जाता है. एंड इसी बीच तनु का मेरे पास कॉल आया, उसने कहा कि मैं आ जाती हूँ. तो मैंने आकाश को घर भेज दिया कि लाइक मैं थोड़ी देर टिक्की बना लूंगा, इतने में तनु आ जाएगी, वो मेरी हेल्प कर देगी, तू चला जा आराम से. एंड यार कमाल की बात, वो आई नहीं. मैंने उससे दोबारा कॉल करके पूछा कि कहाँ है, तो उसने कहा कि अभी मैं नहीं आ रही, मेरा मूड बदल गया. मैंने कहा यार ये क्या बात हुई, तूने मेरे को फंसवा दिया. मैंने आकाश को भी घर भेज दिया और टिकिया भी बची हुई है. तो फिर उसने कहा कि चलो मैं आ जाती हूँ. मैंने कहा ठीक है, अब तो इतने टाइम हो गया, कहाँ आएगी, 1 घंटा हो चुका उस बात को किए हुए, तो मैं ही बना लेता हूँ सारी चीजें. एंड मैंने फटाफट से टिक्की बनाई. इसी बीच हमारे पास एक ऐसे कस्टमर आए जो भाई अंबाला से थे, एंड वो दूसरी कंट्री जाने वाले थे नेक्स्ट डे. तो उन्होंने कहा कि मैं स्पेशली ईट एंड बाइट का बर्गर खाने आया हूँ. उन्होंने 1 दिन पहले वीडियो देखी थी, एंड आज उन्होंने बोला कि सेम बर्गर मेरे को चाहिए जो आपका रिच मेल्टेड चीज बर्गर है. तो मैंने उनको वो बर्गर खिलाया और साथ में दी 2 कोल्ड कॉफी. तो यार मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग ऐसे वीडियोस देखकर आते हैं और बताते हैं सारा एक्सपीरियंस. तो वैसे तो टिक्की का काम हो चुका था, उसके बाद मैंने भैया को ऑर्डर डिलीवर किया और उनका रिव्यू आप खुद सुनो उन्होंने क्या कहा. अरे एक सेकंड, रिकॉर्डिंग अभी शुरू हुई है.
तो थैंक यू सो मच भैया आप आए। भैया ने ऑर्डर किया था रिच मेल्टेड चीज, कैसा लगा आपको? यार बहुत अच्छा फ्लेवर था, लाइक बहुत सारे टेस्ट, लाइक डिफरेंट फ्लेवर्स आ रहे थे, बहुत सही, अच्छी क्वालिटी और प्राइस तो बहुत कम है उसके साथ। थैंक यू सो मच भैया। और कोल्ड कॉफी कैसी लगी भैया? कॉफी बहुत अच्छी लगी, कॉफी बहुत बढ़िया थी, मीठा भी कुछ परफेक्ट था। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। हां भाई ओके ओके भैया। तो लाइक उनका रिव्यू सुन के मेरे को काफ़ी अच्छा लगा एंड मेरे को काफ़ी खुशी होती है जब आप लोग ऐसे ट्राई करने आते हैं एंड उसके बाद आपको टेस्ट पसंद आता है, लाइक वो फीलिंग आती है ना कि मेहनत सक्सेसफुल हो गई। तो एनीवे उसके बाद मैं किचन की क्लोजिंग का काम शुरू कर देता हूँ, सारी चीज़ें समेट के रखता हूँ। आज मैंने बर्तन साफ नहीं किए क्योंकि बहुत सारे बर्तन थे और मैं ऑलरेडी लेट हो रहा था, तो मैंने बर्तन छोड़ दिए, सुबह आके आकाश देख लेगा। और हमने नया मेन्यू भी प्रिंट करवाया यार, मतलब उसके ऊपर लोगो वगैरह सब कुछ लगवाया है और जो नई चीज़ें थी, नई आइटम थी, वो सारी चीज़ें ऐड की हैं। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा मेन्यू, आप कमेंट सेक्शन में बताना आपको हमारा लोगो कैसा लगा। आज का सारा काम बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया एंड फाइनली अपने 8 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, जल्दी 1 मिलियन होने वाले हैं। तो इतने सारे प्यार के लिए थैंक यू सो मच यार, एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता आपको, जब आप लोग आके मिलते हैं और बताते हैं कि आपने वीडियोस देखी, फूड आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो बस इसी तरह से आज का दिन निकल जाता है और आज के दिन को यहीं पर एंड करते हैं, व्लॉग को भी एंड करते हैं। होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा, व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं कल के व्लॉग में, बाय बाय।